तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड फाइनली आज की एक और न्यू टिप्स एंड टिक्स वाली वीडियो के साथ में। तो गाइस, आप सभी को पता होगा यार, देखो जीगल है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बीजीएमआई एंड पबजी मोबाइल में। अगर हम क्लोज रेंज फाइट्स में होते हैं तो भाई हमारी जो जीगल है ना भाई, वो ऑन पॉइंट होनी चाहिए, तब जाके हम कोई क्लोज कॉम्बैट में भाई विन कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे गाइस, अगर हमारी जॉयस्टिक अच्छी नहीं रहेगी ना, तो भाई तुम्हें भी पता है हमारा जीगल कैसा जाने वाला है। तो जीगल के लिए भाई देखो, एक जॉयस्टिक का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर तुम्हारी जॉयस्टिक तुमने अच्छी नहीं कर रखी है ना, तो भाई उसी वजह से तुम्हारा गेम प्ले इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, तुम्हारा जीगल अच्छा नहीं जा पा रहा है, तुम क्लोज रेंज में बंदे मार नहीं पा रहे हो। तो भाई आज पूरी वीडियो हम जॉयस्टिक के ऊपर रखने वाले हैं, और जॉयस्टिक से रिलेटेड सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो तुम्हारी इस वीडियो के बाद में आएगी, सॉल्व हो जाएगी। गाइस देखो, वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। बाकी आगे बढ़ने से पहले यार गाइस, लाइक जरूर से कर देना वीडियो को। इस वाली वीडियो का लाइक हम रख रहे हैं 15,000 लाइक्स। तो गाइस मुझे उम्मीद है यार तुम लोग इजीली कंप्लीट करवा दोगे। तो सारे जो लोग देख रहे ना भाई, लाइक वाले बटन को दबा देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स वाली एंड गेम प्ले वीडियोस के लिए। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके यार गाइस, तो देखो सबसे जो पहले पॉइंट की हम बात करने वाले हैं ना, ये पॉइंट सबसे ज्यादा मेन रहने वाला है। अब देखो, जॉयस्टिक की साइज क्या रखनी है, प्लेसमेंट क्या रखनी है, सेंसिटिविटी क्या रखनी है जॉयस्टिक की, वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा आगे चल के। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पे देखो, हम प्रैक्टिस की बात करने वाले हैं, मसल मेमोरी की बात करने वाले हैं। तो गाइस देखो, कभी भी किसी भी चीज को हम ज्यादा देर तक करते हैं ना, उतनी देर हमारी उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। सपोज करो, अब तुम डेली गेम खेलते हो, तो तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हारा बटन कौन सा कहाँ पे है, तुम्हें कैसे रिएक्ट करना है जब तुम में होते हो। लेकिन वहीं पे गाइस, अगर तुम एक दो दिन गेम नहीं खेलते हो ना, तो तुम नोटिस करते हो कि यार मेरी मूवमेंट्स अच्छी नहीं आ पा रही है, मेरा थोड़ा सा एम यहाँ पे चोक हो रहा है। तो गाइस ऐसे में करना क्या होता है ना, तुम्हें डेली थोड़ा थोड़ा खेलना होता है। चाहे तुम्हारे पास टाइम ना हो, लेकिन एटलीस्ट दिन का भाई एक टीडीएम भी तुम खेल लोगे ना, तो तुम्हारी मसल मेमोरी वहाँ पे बनी रहेगी। एंड भाई मेनली जो जॉयस्टिक के साथ प्रॉब्लम है ना, वो लोगों को इसी वजह से होती है। एंड भाई पर्सनली मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी कि मैं जॉयस्टिक को छेड़ता तक नहीं था, लेकिन जब भी मैं अचानक से गेम खेलता था ना, कभी एक दिन के या दो दिन के ब्रेक के बाद, तो भाई मेरी मूवमेंट्स है ना वहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ पाती थी। या तो मैं क्लोज रेंज में चोक करता था, या फिर मेरा एम अच्छा नहीं बैठता था। तो भाई देखो, ज़रूरी है तुम प्रैक्टिस करो डेली। और ये जो जितने भी T1 प्लेयर्स हैं ना भाई, जितने भी कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स हैं, ये इसीलिए भाई डेली ग्राइंड करते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव मैच में जाने से पहले। तो भाई देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम जब भी मैच वगैरह खेलते हो ना, तो भाई देखो तुम्हें एक दो ट्रेनिंग राउंड ज़रूर से खेलने, एक दो तुम्हें TDM ज़रूर से खेलने। एंड अगर तुम खेल नहीं पा रहे हो किसी रीज़न से, सपोज करो तुम्हारे कॉलेज वगैरह है, तुम्हारे स्कूल्स वगैरह हैं, तो भाई ऐसे में ट्राई करो कि तुम यार 10-15 मिनट के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में जा सको, या फिर एक दो TDM तुम खेल सको। भाई इतना टाइम तो यार किसी को भी मिल ही जाता है। तो ऐसा अगर तुम करोगे ना, तो तुम्हारी मसल मेमोरी वहाँ पर बनी रहेगी। एंड काफ़ी लोग ये वाली गलती करते हैं कि गाइज़ वो जब भी है ना, एक दो दिन के बाद कम बैक करते हैं ना मैच में, वो मैच खेलने आते हैं, तो भाई देखो उनकी सेटिंग्स तो किसी ने छेड़ी नहीं, लेकिन ऐसा फील होता है कि यहाँ पे मेरी जॉयस्टिक में कोई गड़बड़ हो चुकी है, लाइक मेरी मूवमेंट्स अच्छी नहीं जा रही है। तो ऐसे में गाइस वो जॉयस्टिक अपनी बार बार चेंज करते रहते हैं। लेकिन भाई एक्चुअली में होता क्या है ना, कि तुम इतने दिन से खेल ही नहीं हो, वहाँ पे तुम्हारी प्रैक्टिस है ना भाई, वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती है। तो इसीलिए गाइस सभी लोग बोलते हैं कि जितना ज्यादा तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में टाइम बिताओगे ना, उतनी ज्यादा तुम्हारी जो स्किल्स है ना, वो पॉलिश होती जाएंगी। तो ये वाला पॉइंट भाई सबसे ज्यादा मुझे तो एटलीस्ट मेन लगता है। ओके यार गाइस, तो अगर सेकंड पॉइंट की बात करें ना, तो ये वाली सवाल है ना भाई, मुझसे लोग डेली कमेंट सेक्शन में लोग पूछते रहते हैं कि भाई हमारी जॉयस्टिक का साइज हमें क्या रखना है, छोटी जॉयस्टिक हमें रखनी है या फिर हमें बड़ी जॉयस्टिक रखनी है। तो गाइस देखो, यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे ना, तो मेरी जॉयस्टिक है ना भाई, एकदम मैंने लीस्ट साइज की कर रखी है। लाइक जितनी ज़्यादा कम हो सकती थी ना, उतनी ज़्यादा कम मैंने कर रखी है। एंड भाई इसके पीछे एक रीज़न है कि काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि यार जितनी ज़्यादा तुम छोटी जॉयस्टिक रखोगे ना, तुम्हारी मूवमेंट्स उतनी ज़्यादा फास्ट रहेंगी। गाइस देखो, इस चीज़ पर भी इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ मैं। सोचता हूँ कि अगर तुम्हारा फ़ोन छोटा है ना, तो तुम वहाँ पे जो है बड़ी जॉयस्टिक भी यूज़ कर सकते हो, एंड तुम्हारे लिए अच्छी काम करेगी वो। सपोज करो तुम्हारे पास आईफोन ऐसी जितना कोई फ़ोन है, तो भाई वो फ़ोन बिल्कुल छोटा सा है, अगर वहाँ पे तुम बड़ी जॉयस्टिक रखते हो ना, तो तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं दिखने वाला है। लेकिन वहीं पे तुम्हारे पास अगर थोड़ा सा बड़ा फ़ोन है, जैसे MI के नोट वगैरह आते हैं, तो उनमें अगर तुम छोटी जॉयस्टिक रखोगे ना, तो तुम्हारे लिए वहाँ पे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि तुम्हें थंब है ना अपना जो, वो इतना ज़्यादा स्लाइड नहीं करना पड़ेगा स्क्रीन पर। तो ये कॉन्सेप्ट मैं फॉलो करता हूँ, एंड आईफोन 11 में यूज़ करता हूँ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ी सी स्क्रीन लगती है। तो यहाँ पे मैं छोटी जॉयस्टिक रखता हूँ ना, तो मुझे थंब अपना इतना ज़्यादा खींचना नहीं पड़ता है मूवमेंट वगैरह के लिए। तो सपोज़ करो मैं जिगल भी दे रहा हूँ ना, तो मुझे पूरा जॉयस्टिक ना एंड तक नहीं ले जाना पड़ेगा। मैं इजीली अगर थोड़ा सा भी अपना थंब इधर को उधर करूँगा, लेफ्ट एंड राइट करूँगा, तो वहाँ पे वो मेरा काम कर देगा। तो इसीलिए भाई देखो, अगर छोटी जॉयस्टिक रखना चाहते हो तो रख लेना, अगर तुम्हारा फ़ोन बड़ा है तो। अगर तुम्हें फ़ोन छोटा है तुम्हारा, तो वहाँ पे तुम बड़ी जॉयस्टिक भी रख सकते हो। एंड गाइस देखो, अभी काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई तुम्हारी जो जॉयस्टिक की सेंसिटिविटी है ना भाई, वो कितनी रख रखी है तुमने। तो भाई देखो, मेरी जॉयस्टिक की सेंसिटिविटी यहाँ पे मैंने फुल कर रखी है, लाइक एकदम 100 हो सकती है ना,
तो 100 मैंने कर रखी है वहाँ पे, तो फुल तुम भी कर लेना। इससे होता क्या है ना कि तुम जितनी ज़्यादा फुल रखोगे ना उतना ज़्यादा तुम्हें जॉयस्टिक को कम खींचना पड़ेगा, और अगर तुम जितनी ज़्यादा कम रखते हो तो तुम्हें जॉयस्टिक को भाई पूरा एंड तक लेके जाना पड़ेगा स्क्रीन के, तब जाके तुम्हारा बंदा है ना तेज़ भाग पाएगा या फिर जिगल में थोड़ा सा अच्छा लगेगा तुम्हें। तो या गाइस यार ये थे कुछ पॉइंट्स जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर तुम्हारी जॉयस्टिक अच्छी नहीं है अभी तक। बाकी अभी यार ये छोटा सा टीडीएम मैच मैंने डाला हुआ है तो ये ज़रूर से देखना। एंड यहाँ पे जॉयस्टिक की जो विजिबिलिटी ना भाई वो भी मैंने फुल कर दी है, तो तुम्हें अच्छा खासा अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं क्लोज कॉम्बैट में रहता हूँ तो जॉयस्टिक मेरी कैसे रिएक्ट करती है, या फिर अगर मैं लॉन्ग रेंज में रहता हूँ तो मैं अगर अपना जॉयस्टिक हिलाता हूँ या नहीं हिलाता हूँ, काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे, तो ये चीज़ तुम्हें इस स्टेडियम में पता चल जाएंगी। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग। I need a weapon. Cover me. Dead. अबे यार मैंने भी मारा वो बहुत। तो यार तुम लोग reloading, half of the match is over and the blue team is in the lead.
नाइस बॉय। मैं भी रीलोडिंग कवर मी आई नीड अ वेपन Marked a location. Cover me! Reloading! Clear! Cover me! Killing spree for the blue team! Marked a location. Reloading! I need a weapon. The red team doesn't have a lot of time left. Team victory!